आई एम सुंदर कुमार सिंह, टीचर ऑफ बाल मेरा भारतीय इंग्लिश स्कूल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 3 से। पहले 1 चैप्टर और 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। और इस वीडियो को चैप्टर 3 शुरू करने से पहले आप लोग को एक और खुशखबरी बोले या फिर एक इन्फॉर्मेशन बोले, चैप्टर 1-2 तो मैंने पढ़ा दिया, अब उसका क्वेश्चन फिर कहाँ से होगा ये अब आप लोग के मन में आ रहा होगा। तो चैप्टर 1 और 2 का मैंने क्वेश्चन सारा खुद से लिखा है और वो आप लोग को स्कूल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा जीरोक्स के रूप में। तो आप लोग 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, जब भी वो सर आप लोग को बता देंगे प्रिंसिपल सर जो है हमारे, तो आप लोग ले सकते हैं और घर पर बैठ करके अपना सारा चीज़ करके लर्न करते रहें। और जब भी ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप लोग को वो आसानी रहेगा और याद भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, यानी डेली यूज में जो लोग मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबको जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो है हम लोग का कपड़ा। तो उसके बारे में ही हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पहले जो है अभी के तरह लोग जीन्स पैंट ये सब नहीं पहनते थे। पहले जो थे अर्ली ह्यूमन, वो पेड़ का जो होता छाल या जानवर का छाल हो या फिर पत्ता हो उसको लपेट करके अपना काम चलाते थे, ठीक है, क्योंकि तब उस तरफ उसका उतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे जो है ये बढ़ते गए। और अभी जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हर कपड़ा जो होता है वो हम लोग का डिपेंड होता है मौसम के ऊपर, यानी जैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कपड़ा पहनते हैं। जैसे कि गर्मी का टाइम हम लोग कॉटन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? तो कॉटन क्या होता है, वो जो हम लोग का स्वेट होता है यानी कि पसीना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हम लोग को गर्मी से राहत देता है। फिर ठंडी के टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वूलन क्लोथ यूज़ करते हैं। इसी तरह से तो जाने तो जो भी कपड़ा होता है वो बना होता है फाइबर से। फाइबर जो होता है वो बना होता है फाइबर से, यानी पतला सा रेशा होता है, धागा होता है, और हर कपड़े का थ्रेड अलग अलग होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जो भी फाइबर हम लोग को मिलता है जिससे कपड़ा बनता है, ये 2 तरह का होता है, एक नेचुरल हो गया और एक हो गया आपको सिंथेटिक। तो नेचुरल में जो भी होता है वो हम लोग को प्लांट या एनिमल से मिला, और फिर जो होता है मैन मेड जो हो गया या आर्टिफिशियल फाइबर जो हो गया वो हम लोग केमिकल्स से बनाते हैं। तो जानिए पहले नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल जो होता है वो जैसा कि मैंने बताया कि वो एनिमल्स और प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से जो भी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स फाइबर्स। इसमें जो होता है वो बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, जैसे कि कॉटन, जूट, ये सब आप लोग को हुआ। उसके बाद एनिमल्स में आ गया, आपको जो है इसमें दो सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक सिल्क और एक होता है वुल। सिल्क हो गया आपको, सिल्क को बोला जाता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है, ठीक है। तो सिल्क जो है हम लोग को मिलता है, सिल्क वॉर्म में कीड़ा होता है उस पर मिलता है, वो एक शहतूत का पेड़ होता है उस पर ये उपजता है और उसका खेती किया जाता है। खेती किया जाता है मतलब बहुत सारा बड़े एरिया में पेड़ लगा दिया जाता है, उस पर सिल्क वॉर्म को रखा जाता है, पाला जाता है। फिर वो जो अपना अंडा देती है जो कीड़ा होता है, उस अंडे को फिर जब वो कोकून बन जाता है तो उसको निकाल करके उसको फिर पानी में गर्म करके उससे फिर पतला पतला चिपचिपा सा धागा थ्रेड तैयार किया जाता है। फिर जब धागा तैयार होता है तो फिर अलग अलग तरह का कपड़ा आपका मिलता है, बनता है। उसके बाद आते हैं तो और इस जो प्रोसेस होता है यानी कि सिल्क को पालना और इससे धागा निकालना, इसको बोला जाता है सेरीकल्चर बोला जाता है। अब जो दूसरा फाइबर हुआ जो मिलता है आपको वूल, वो वूल जो है अलग अलग एनिमल से मिलता है, जैसे कि आपको भेड़ हो गया उसका यूज किया जाता है, उसके बाद बकरी हो गया, बहुत सारा ऐसा बकरी होता है जिसका बड़ा बड़ा सा ये होता है आपको बाल होता है उसको यूज किया जाता है। जो हम लोग देखते हैं वो सा बकरी नहीं होता, दूसरा होता है बहुत होता है, और एक होता है आपको केमल से भी मिलता है हम लोग को, और एक खरगोश होता है अंगोरा, उससे भी हम लोग उसका यूज किया जाता है उसका। तो क्या करते हैं, तो सबका पहले से क्या करते हैं उसको छील देते हैं, उसके ऊपर के स्किन को नहीं बल्कि बाल को काट लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको फिर प्रेस किया जाता है, फिर उसको जो है आगे बढ़ाया जाता है और उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो एक जो है लगभग लगभग एक बार साल में 3 से 4 बार किसी एक कोट को काटा जाता है उसके बालों को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके अच्छे से बारे में। थैंक यू।